करीब 6000 साल पहले जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था, लोग पक्के घरों में रहने की तैयारी कर रहे थे, सिवरेज सिस्टम बना रहे थे। लगभग उसी दौरान इजिप्ट के लोगों ने खेलों पर सट्टा खेलना शुरू कर दिया था। 2800 साल पहले जब एशियंट ओलंपिक की शुरुआत हुई तो उस दौरान भी खेलों पर सट्टा लगाना काफी आम बात थी। क्रिकेट की बात करें तो आज से 360 पहले 1684 में इंग्लैंड की संसद ने सट्टा खेलने पर कानून बना दिया था। हालांकि तब से अब तक दुनिया में कई देशों में सैकड़ों कानून बनाए जाने के बावजूद खेलों पर सट्टाबाजारी बदस्तूर जारी है। ऐसे में अब क्रिकेट का खेल दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका में भी पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका 2 जून से शुरू हो रहे 9वें T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। ऐसे में ये जानना बेहद रोचक होगा कि वहां सट्टेबाजारी की क्या स्थिति है, क्या अमेरिका में इसे कानूनी मान्यता मिली हुई है, अमेरिका का सट्टेबाजी इकोसिस्टम भारत से कितना अलग है। सभी सवालों का जवाब आगे जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप जानते हैं अमेरिका में 2018 में स्पोर्ट्स बैटिंग लीगल हो गई थी। कई देशों की तरह अमेरिका में भी स्पोर्ट्स बैटिंग कई वर्षों तक रेगुलेट नहीं हुई थी। 1992 में फेडरल कानून के तहत अमेरिका के सभी राज्यों में स्पोर्ट्स बैटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि 2018 में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक हटा दी। तर्क यह था कि बैन के बावजूद जब पैसों का ये खेल चल ही रहा है तो इसे क्यों ना मान्यता दे दी जाए। इस समय अमेरिका के 50 में से 38 राज्यों में स्पोर्ट्स बैटिंग की कानूनी मान्यता मिली हुई है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिलने के बाद अमेरिका में स्पोर्ट्स बैटिंग जंगल में आग की तरह फैल गई। अमेरिकी गेमिंग एसोसिएशन के मुताबिक 2023 में अमेरिका में लोगों ने $119.84 बिलियन यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स बैटिंग की। यह रकम 2022 की तुलना में 27.5% ज्यादा थी। लोगों की बैटिंग में बढ़ती रुचि से अमेरिका बैटिंग कंपनियों का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 2023 में अमेरिकी सट्टाबाजारी कंपनियों ने $10.92 बिलियन यानी करीब 90,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। स्पोर्ट्स बैटिंग के लिए अमेरिकी लोगों का सबसे पसंदीदा यानी कि फेवरेट गेम अमेरिकी फुटबॉल है। वहां जितने लोग स्पोर्ट्स बैटिंग करते हैं उनमें से 61% लोगों ने इस खेल की फ्रेंचाइजी लीग NFL में बैटिंग जरूर की है। इसके बाद बास्केटबॉल और बेसबॉल का नंबर आता है। तो चलिए अब यहाँ समझते हैं कि भारत से कितना अलग है अमेरिका का स्पोर्ट्स बैटिंग। इंटरनेट पर भारत और अमेरिका की स्पोर्ट्स बैटिंग एक जैसी ही होती है। हालांकि भारत में किसी भी कंपनी को बैटिंग शुरू करने की परमिशन नहीं है। अमेरिका में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की बैटिंग ज्यादातर राज्यों में लीगल है। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है, क्या फैंटेसी गेम भी बैटिंग के दायरे में आते हैं? तो आपको बता दें, नहीं, फैंटेसी गेम बैटिंग के दायरे में नहीं आते हैं। इस मामले में 2020 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाकर फैंटेसी ऐप यूजर्स की स्किल और जजमेंट का खेल बताया था। इसमें खिलाड़ियों के आंकड़े और ग्राउंड की कंडीशन के आधार पर पैसा लगाया जाता है। इसीलिए हाई कोर्ट ने माना कि इसे बैटिंग में नहीं गिना जा सकता। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भारत में फैंटेसी गेम का बिजनेस तेजी से बढ़ा। इसी कारण ड्रीम 11 की तरह माई 11, सर्कल माई टीम 11, MPL, बल्लेबाजी और हाला प्ले जैसी कई एप्स ने स्पोर्ट्स फैंटेसी के मार्केट में कदम रख दिया। सभी एप्स तेजी से ग्रो भी कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में हो रहा है और ऐसे में जिस देश में सट्टेबाजी लीगल हो वहां पर T20 वर्ल्ड कप में किस तरह की सट्टेबाजी देखने को मिलेगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।